हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास एट साइंस का चैप्टर 7, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लेट्स स्टडी। तो हमने क्लास 7 में पढ़ा था और देखा था कि जो पहेली और भोजू है वो उनके फॉरेस्ट मतलब उनके प्रोफेसर के साथ और अहमद और टिब्बू के साथ कहीं पे जाते हैं, फॉरेस्ट पे जाते हैं। तो वो अपने क्लासमेट्स को उनके एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो जो अलग मतलब बाकी के बच्चे थे तो उनको भी एक्सपीरियंस लेना था कि जो उन लोग ने गए थे भरतपुर सेंचुरी में, तो उन्हें भी एक एक्सपीरियंस लेना था कि कैसे थे वो सेंचुरीज एंड ऑल। तो कुछ अलग अलग आपने सुनेंगे, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, लॉक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व, और भी बहुत सारे जो है आप लोगों ने सुने होंगे, हम सभी लोगों ने सुने हैं। तो क्या पर्पस है ये नेशनल पार्क बनाने का, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने का, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का, ऐसे ये क्यों बनाते हैं? तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेस। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों होते हैं? एक बड़ी सी वेराइटी जो है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, एसेंशियल होते हैं हमारे सर्वाइवल, हमारे जो इंसान हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत मतलब मेन है, सर्वाइवल है हमारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के। तो आज के दिनों में जो मेजर ट्रीट क्या आता है, जो जैसे भी कोई भी, अगर आप जाओगे फॉरेस्ट में तो कभी कभी ऐसे आपको फॉरेस्ट कट मिलेंगे, जो फॉरेस्ट के पेड़ होते हैं कटे कटे हुए मिलेंगे। तो जो वो जो उस जगह को क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन वाली जगह, क्योंकि उस जो जगह है जहाँ पर पेड़ काट दिए जाते हैं और फॉरेस्ट पूरा मतलब फॉरेस्ट रूम खाली होता है, पेड़ काट दिए होते हैं, तो उसे बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। तो हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट को एकदम क्लियर करना और वो लैंड को अदर अदर पर्पजेस, अदर अदर मतलब अलग अलग यूज़ के लिए यूज़ करना, ठीक है ना। जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारे फॉरेस्ट, हम लोग फॉरेस्ट में इसीलिए कट करते हैं क्योंकि उसके कुछ पर्पजेस होते हैं ना। तो जैसे हमें कोई वो ट्रीज़ या फॉरेस्ट हम लोग इसलिए कट किए, मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट और ट्रीज़ डिफॉरेस्टेशन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर किसी किसी को कल्टीवेशन करना मतलब होता है, कोई भी वीट या क्रॉप्स प्रोडक्शन करना पड़ता होता है, मैनेजमेंट मतलब अपने चैप्टर 1 में पढ़ाया कि क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप उगाया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, और जो यूज़ होता है, और फिर सेकेंड यूज़ होता है उसका होता है हाउसेस बिल्ड करते हैं। अगर हम वो फॉरेस्ट की पूरी जगह को क्लियर कर देंगे तो उसको हम लोग हटा के वहाँ पर हाउस बना सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं ना हम लोग, फिर उसके जो ट्रीज है उसके जो वुड है वो यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल, और उसका फर्नीचर भी बना सकते हैं ना। तो ये सारे यूजेस होते हैं, ऑल दीज आर यूजेस ऑफ कटिंग ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो जब डिफॉरेस्टेशन होता है तब हमें कुछ नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, नेचुरल जो होते हैं डिज़ास्टर्स भी आ सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर्स हो सकते हैं, ऐसे तो ड्रॉट्स होते हैं ना, सेवरे ड्रॉट्स से उस जगह पे एकदम से कटी कटी सी पिटी पिटी सी जगह दिखेगी तो उसे बोलेंगे ड्रॉट्स। और भी कॉज होते हैं जो हमारे जो डिफॉरेस्टेशन के कॉज होते हैं जो हम क्लासीफाई करेंगे नेचुरल मैनमेड में। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो जो पहेली और भोजो है उन लोग ने कुछ रिकॉल किए कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो वो रिमेंबर करते हुए जो डिफॉरेस्टेशन है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल, जो पॉल्यूशन होता है वो भी इंक्रीज करता है क्योंकि देखो पेड़ चले जाएंगे तो जो पेड़ टेम्परेचर ले रहे होते हैं वो पेड़ टेम्परेचर ले नहीं पाएंगे क्योंकि वो पेड़ तो कट गए होंगे, तो वो सारा टेम्परेचर इधर से उधर घूम रहा होगा और हमें ही प्रॉब्लम होगी, फिर पॉल्यूशन होगा अर्थ पे, तो ऐसे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और ये इंक्रीज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, जो पहले जब डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ था, जब पेड़ थे तब वो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते थे और हमें ऑक्सीजन दे देते थे, बट अभी तो पेड़ है ही नहीं फॉरेस्ट में, तो अभी तो हमें अभी पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे और हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें कभी भी पेड़ नहीं काटना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन कभी भी नहीं करना चाहिए, हमारे खुद के यूज़ के लिए, हमारे खुद के नीड्स के लिए हमें कभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म नहीं करना, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स को कभी भी हार्म नहीं करना है हमें, ठीक है ना। जो ग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल भी जो होता है एकदम लोअर हो जाता है, और आज से
डिफॉरेस्टेशन होता है वो बैलेंस वो डिस्टर्ब करता है बैलेंस नेचर का। और जिसे उनके जो पहेली और भुजे उनके प्रोफेसर अहमद ने जिसे ट्रीज कटिंग कर जो अगर उन्होंने बोला था कि जो अगर ट्रीज कटिंग स्टार्ट रहेगी और अगर ट्रीज कटते रहेंगे तो जो रेनफॉल है और फर्टिलिटी है सॉइल की ये क्या होगा, फर्टिलिटी और रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी भोजो पूछ रहा है कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द अदर हैंड एंड लीड्स टू फ्लड ऑन द अदर अदर साइड। तो भोजो क्या पूछ रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है ये रेनफॉल कैसे ला सकता है और अगले साइड जो है फ्लड कैसे आ सकती है। तो मोरेवर जो होती है जो नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है जैसे फ्लड्स और ड्रॉट्स की, जैसे प्लांट जो होता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस बनाने की, जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो लेस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बट कुछ जो होते हैं वो इन जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं। और ऐसे अगर प्लांट्स कटते रहे तो हमारे जो है ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहीं पे तो जा नहीं पाएगी, तो अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी और ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, प्लांट्स तो होंगे नहीं तो ऑक्सीजन देने के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर आप कार में बैठे हो तो कार की जो जैसे अगर आप कार में कहीं देर में बैठे बाहर गए हो ऐसे बैठे हो तो हमने एसी चालू करके बैठे हैं ऑल, बट अगर आप कहीं बाहर गए हो 10-15 मिनट के लिए तो जो धूप होती है वो धूप मतलब गर्मी के मौसम में या सुबह सुबह जैसे को तो एकदम धूप होती है कड़क धूप होती है ना, तो धूप अंदर आती है बट जो अंदर क्यों आती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसे खींच लेता है, चाहे वो कांच बंद हो बट तो भी धूप आती है अंदर, है ना। बट वो धूप बाहर नहीं जा पाती, क्यों नहीं आती, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड देता है वो ट्रैप कर लेता है, मतलब जो कांच है उसका वो ट्रैप कर लेता है ना। तो ऐसे ही जो ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये ट्रैप कर लेता है हीट की रेज जो अर्थ को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, तो ये इंक्रीज करता है अर्थ के टेम्परेचर को और ये वाटर साइकिल भी नहीं होने देता है और ये रिड्यूस करता है रेनफॉल, रेनफॉल नहीं आएगी तो ड्रॉट्स पड़ जाएंगे, ड्रॉट्स पड़ जाएंगे तो हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए वी डोंट हैव टू डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो डिफॉरेस्टेशन है ये कॉज करता है मेजर जो चीज़ें जो जैसे सॉइल प्रॉपर्टीज़ में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सॉइल की अफेक्ट हो सकती है प्लांटेशन और वेजिटेशन से। जो हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि हाउ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं कुछ ट्रीज जो होती हैं वो रिजल्ट करते हैं ज़्यादा सॉइल इरोजन जो, और जो रिमूवल होता है टॉप लेयर सॉइल का ये एक्सपोज करता है लोअर में जो हार्ड और रॉकी सॉइल्स होते हैं, जो सॉइल होता है वो लेस ह्यूमस में होता है और लेस फर्टाइल होता है, तो ग्रेजुअली जो है फर्टाइल लैंड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डेजर्ट्स में। मतलब क्या होता है ना, जो हमारा जो एकदम मतलब अच्छा खासा ज़मीन है मिट्टी है उसमें रेती है पत्थर है सब है ये इसे बोलेंगे फर्टाइल लैंड, ठीक है ना, एकदम सूखा नहीं है मतलब नॉर्मल जो लैंड में हम लोग चल रहे हैं वो अच्छा से एकदम है। बट जब वो लैंड कन्वर्ट हो जाएगा डेजर्ट में मतलब एकदम रेती रेती सैंडी सैंडी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे इस प्रोसेस को बोला जाएगा डेजर्टिफिकेशन, ठीक है समझ में आया। द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इंटू डेजर्ट इज इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, है ना। तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो डिक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल ज़्यादा टाइम तक वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जो मूवमेंट है वाटर का सॉइल से ये सरफेस मतलब इस ग्राउंड में जैसे इनफिल्ट्रेशन रेट होता है वो रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पर ऐसे फ्लड्स आते हैं। तो और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉइल को न्यूट्रिशन देते हैं जैसे कॉन्टैक्ट टेक्सचर और भी है, ये भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से चेंज होता है, ठीक है ना। तो जो एनिमल की लाइफ है ये भी अफेक्ट होती है डिफरेंशिएशन में। अब हाउ कैसे लाइफ इसके एनिमल्स की जो होती है वो अफेक्ट होती है जब पेड़ और वो सब काट देते हैं। तो देखो अभी हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन पहेली एंड भोजो आर वरीड, दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। मतलब पहेली और भोजो उनके प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन लोग ने पूछा उनको कि ये जो डिफॉरेस्टेशन से जो एनिमल की जो लाइफ्स है वाइल्ड लाइफ्स है वो हम कैसे बचा सकते हैं। मतलब देखो क्या होता क्या असली में, जो हम लोग जो रीजन में जी रहे जैसे हमारा घर है ये घर हमारे पास है बट जैसे ये घर तोड़ देंगे कोई भी हमारे जो भी कोई भी तोड़ जाएगा कोई स्ट्रेंजर एनीथिंग कोई भी तोड़ देगा हमें कैसा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा।
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमसे हमारी हैबिटेट छीनी गई है, हमें इस जैसे हमें इस जगह से निकाल दिया, क्योंकि चाहे वो हमारी जगह है बट हमें निकाल दिया, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम? हमें बुरा लगेगा कि हमें यार हमारे घर से निकाला। तो वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनका भी ऐसे होता है, उनकी हैबिटेट जो होती है फॉरेस्ट होती है, जो भी पेड़ पे लटकते हैं जानवर, मंकीज एंड ऑल, और फिर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, घने जंगल्स में रहते हैं, लायंस एंड टाइगर्स, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी फॉरेस्ट में रहते हैं, तो इनकी जगह छीनी जाती है, इनका घर छीना जाता है इनसे, क्योंकि उनके जो फॉरेस्ट है वो काट दिया जाता है, पूरा पेड़ काट दिए थे। मंकीज को लटकने की जगह नहीं मिलेगी, जो लायन को है, टाइगर को है, वो घने जंगल में घूमने की जगह नहीं मिलेगी, है ना? तो क्या होगा, ये ऐसे घूमते घूमते रूरल एरियाज में आ जाएंगे एंड फिर ये हमें खुद को ही हार्म करेंगे, ठीक है ना? जो बायोस्फीयर है ये भी पार्ट है अर्थ का, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है, ये रिफर्स करता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जैसे जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके इंटर रिलेशनशिप्स को, और ये रिलेशनशिप्स है ये एनवायरमेंट्स के साथ है। तो पहली मतलब पहले और बोझो ने पूछा ये क्वेश्चन, तो उनके प्रोफेसर अहमद ने एक विजिट किया बायोस्फीयर रिजर्व में पहेली और भोजो और उनके क्लासमेट्स के साथ। तो उन लोगों ने कुछ एक प्लेस चुना पचमारही बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर उन लोग ने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के और मतलब सेम सेम है, और जो अपर हिमालयन पीक्स है ये बिलोंग करते हैं लोअर वेस्टर्न घाट्स में। जो प्रोफेसर अहमद है ये बिलीव करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक यहाँ पर एक यूनिक टाइप में, और ये रिक्वेस्ट करती है उनके एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय से, माधव जी से सॉरी, गाइड करने के लिए बच्चों को रिजर्व के अंदर की क्या क्या है एंड क्या क्या यूनिक थिंग्स एंड ऑल। तो उन लोग ने उनके प्रिजर्विंग एरियाज के बारे में उनको बताया, एक्सप्लेन किया, कुछ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बताई, और ये नेशनल हेरिटेज में कैसे हमारे एक पार्ट ले सकते। तो जो माधव जी है उन लोग ने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि जो ये इससे मतलब हटके कि जो पर्सनल एफर्ट्स है हमारे और एफर्ट्स है सोसाइटी के, गवर्नमेंट के, है ना, तो ये जो है एजेंसीज हो, तो इनको भी फॉरेस्ट और एनिमल्स का केयर लेना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे बताया गया है जैसे टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना, ये हैबिटेट्स जैसे प्रोटेक्टेड एरिया, उन चीज़ें बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और ईयर मार्क जैसे प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग और पोचिंग। मतलब जो भी हमें हमारे फ्लोरा और फौना को बचाना है उनके हैबिटेट से। अब आप सोच रहे हो कि फ्लोरा और फौना क्या होता है, तो फ्लोरा और फौना वो होता है, तो फ्लोरा मतलब क्या होता है ना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स। अब इस जगह के ये प्लांट्स हैं तो वो प्लांट्स को उस जगह के फ्लोरा फ्लोरा बोलेंगे, फ्लोरा ऑफ दिस प्लेस। फौना मतलब क्या होते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स मतलब ये एनिमल्स की जगह है, हैबिटेट, तो इस जगह के एनिमल्स को बोलेंगे फौना। तो फौना ऑफ दिस प्लेस और हैबिटेट, ठीक है ना? तो फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब एनिमल्स, आपको समझ में आ गया? अभी हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होती है जहाँ पर एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं बिना कोई डिस्टरबेंस के, और उनके हैबिटेट के तरीके से उनको जैसे भी जीना हम लोग जी सकते। मतलब जैसे फॉरेस्ट में कहते हैं ना कि हंटिंग करने के लिए आते हैं ह्यूमंस और उनके स्किन रियर करने आते हैं, बट यहाँ पर उनको अलाउ नहीं किया जाता है ना। वहाँ पर सिर्फ जो एनिमल्स हैं वो खुद के मर्जी से उनको जैसी भी लाइफ जीनी वैसे जी सकते, और उनको कोई हंटिंग कोई करने नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ के मतलब फ्रीली ऐसे कहीं पे भी घूम रहे होते हैं, और जहाँ पर जैसे उनको नेचुरल रिसोर्सेज और हैबिटेट जैसे भी यूज कर दे कैन यूज, है ना। फिर आया बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वो होते हैं जहाँ पे लार्ज लार्ज एरिया में एक प्रोटेक्टेड लैंड में जहाँ पर कंजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ और प्लांट और एनिमल को रिसोर्सेज के, और जैसे ट्राइबल्स होते हैं ये उस एरिया में रहते हैं, तो ट्राइबल्स को अलो है कि जो ट्राइबल्स उनके जो हैबिटेट है वहाँ पे उनका शेल्टर ले सकते हैं, उनके एनिमल्स जो प्लांट्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, खाने का कुछ भी चाहिए, दे कैन टेक फ्रॉम देयर। जो गवर्नमेंट है वो ले कुछ करता है कुछ रूल्स, मेथड्स, पॉलिसीज
ये प्रोटेक्ट करने के लिए या कंजर्व करने के लिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जैसे नेशनल पार्क, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा, ये प्रोटेक्ट किए करे जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है जो कंजर्वेशन के लिए होता है। तो आपको अगर इसके कुछ नाम पता है, आपका ये भी होमवर्क है, अगर आपको ये आता है तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू यू कैन आस्क योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स ऑल्सो। सो दिस इज़ योर होमवर्क, ओके ना। नव यहाँ पर देखो हमारे पास पचमढ़ी का बायोस्फीयर रिजर्व का दिख रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो देखो जैसे सतपुरा नेशनल पार्क है, फिर तावा रिजर्व है, पचमढ़ी है ना, पचमढ़ी सेंचुरी है ना, बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये सब है। अभी हम जाएंगे थोड़ा सा डिटेल में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो चिल्ड्रन हैं इनके अलोंग जो बायोस्फीयर मतलब इनके साथ जो अहमद 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 प्रोफेसर है और माधव जी है, ये एंटर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में। तो माधव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और जो एरियाज होते हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन फॉर दैट बायोडाइवर्सिटी। तो एज यू ऑल आर अवेयर, जो बायोडाइवर्सिटी है एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलेंगे। और जो बायोस्फीयर है ये रिजर्व करता है, मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी और हमारे जो उस एरिया का कल्चर है वो। तो एक बायोस्फीयर जो है वो रिजर्व करता है एक अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है वहाँ पे एनिमल्स के, एनिमल्स वहाँ से बाहर ना चले जाए। जो पचमढ़ी है बायोस्फीयर रिजर्व है वो कंसिस्ट करता है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सतपुरा, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसका नाम बोरी और पचमढ़ी है, ठीक है ना। ना अभी हम जानेंगे फ्लोरा फौना के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि फ्लोरा फौना क्या होता है, ठीक है ना। और जैसे बच्चों ने वॉक किया क्लासमेट्स और पहली बार बच्चों ने, तो उन लोग ने देखा और अप्रिशिएट किया बायोस्फीयर रिजर्व, जो जैसे जो ग्रीन वेल्थ है फॉरेस्ट की, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ग्रीन है, ग्रीनरी है, बहुत सारे एकदम बड़े बड़े टीक के टॉल टॉल ट्रीज हैं, एनिमल्स है फॉरेस्ट के अंदर। सडनली जो पहेली है उसने एक रैबिट फाउंड किया और उसको वो रैबिट को पकड़ना था, तो वो रैबिट वो मतलब वो भागने लग गई उस पीछे, और प्रोफेसर अहमद ने फिर उसको स्टॉप किया कि यू डोंट हैव टू डू दिस। तो उसने एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल्स है वो कंफर्टेबल है, हैप्पी है उनके खुद के हैबिटेट में, अगर हम उनको घर पे लेके आएंगे दे विल नॉट फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी। उन लोगों को जैसे उनको जिस जगह पे चाहिए, फॉरेस्ट में रहना है, उनको एक केव में रहना है, कहीं पे भी रहना है, तो वो उनके बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। एंड उनको मतलब जैसे अगर हम उनको घर लेके जाएंगे तो दे विल नॉट फील कंफर्टेबल एज वेल, ठीक है ना। तो सारे बच्चों को समझाया तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि जो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स है वो टिपिकली बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन एरिया से। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं वो फ्लोरा फौना के नाम से जाने जाते हैं, मतलब फ्लोरा फौना बोले जाते हैं। जैसे चाल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉर्म्स, अर्जुन, ये सारे क्या है, फ्लोरा है, चिकन करा है। और जो ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, फिर लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जांपल है, फौना के एग्जांपल्स है। ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एनिमल्स और प्लांट्स है, मतलब फ्लोरा और फौना है। तो आपको आइडेंटिफाई करने आपके खुद के एरिया के फ्लोरा और फौना जो, और आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम जानेंगे एंडेमिक स्पीशीज के बारे में। सून जो ग्रुप है वो एकदम क्वाइटली एंटर करता है एक डीप फॉरेस्ट में, और जो चिल्ड्रन है वो सरप्राइज हो जाते हैं एक बड़ी सी वेरी बिग स्क्विरल देख के। और वो जो जो बड़ी सी फ्लफी टेल वाली स्क्विरल है बहुत क्यूरियस होती है कि उनको उनके बारे में जानने के लिए, उन लोग को मतलब ऐसे रहता है कि कैसी स्क्विरल है, इतनी बड़ी स्क्विरल तो आज तक मैंने देखा नहीं। उन बच्चों को जाना था कि जो माधव जी ने उनको बताया कि ये स्क्विरल जो है एक जाइंट स्क्विरल के नाम से जानी जाती है इस एंडेमिक एरिया में। तो एंडेमिक स्पीशीज वो होती है जो स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की जो फाउंड करती है एक पर्टिकुलर जगह पे, मतलब आपको ऐसे ऐसे जगह पे नहीं मिलेगी वो स्पीशीज, जैसे मतलब जैसे फॉरेस्ट में आपको लायन टाइगर मिल जाएंगे, बट जो बिग स्क्विरल है वो आपको ऐसी वैसी जगह पे नहीं मिलेगी। तो टिपिकली वो अपने एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेगी, और तो उन्हीं को बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज, मतलब वो अपनी हर जगह पे नहीं मिलेगी आपको। जैसे कुत्ते कुत्ते बिल्ली आपको हर सोसाइटी में गली में से भौंपा करते दिखेंगे, बट
ये क्या है, ये एंडेमिक स्पीशीज नहीं है। एंडेमिक स्पीशीज वो है जो प्लांट्स या एनिमल्स दोनों जो फाउंड किए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये नेचुरली कहीं पे भी मतलब ऐसे लगाए नहीं जाते, जो एनीवेयर मिल नहीं जाते कहीं पे भी। जो पर्टिकुलर टाइप है एनिमल है प्लांट का, ये एक एंडेमिक जोन में हुआ जाता है, ये एक स्टेट या कोई भी कंट्री। तो माधव जी है उनको एक साल और वाइल्ड मैंगो ट्री दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ये है आम का पेड़ एंड इसमें उगते आम। तो जैसे आप गर्मियों के मौसम में एकदम मीठे मीठे ठंडे ठंडे आम खाते, तो वहीं से आते हैं आम ना, उसी जगह से नहीं बट बहुत सारी जगहों पे है आम की ट्री। बट ऐसा होता है मैंगो का ट्री ना। पहेली बोल रही है कि आई हैव हियर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज में वैनिश, इज इट ट्रू? तो जो एंडेमिक फ्लोरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, जैसे बाइसन है, इंडियन जाइंट स्क्विरल है और भी फ्लाइंग स्क्विरल है, ये एंडेमिक स्पेशियन है, एंडेमिक फौना है उस एरिया के। मतलब जो बाइसन है, इंडियन जाइंट स्क्विरल है, फ्लाइंग स्क्विरल है, ये उस जगह में आपको मिलेंगे, उस जगह के एंडेमिक फौना है, ठीक है ना। तो जो प्रोफेसर है वो अहमद, प्रोफेसर अहमद उनको समझाते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है उनके हैबिटेट का, वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, जो वो इंट्रोड्यूस करता है उनके न्यू स्पीशीज़ को, जो अफेक्ट कर सकते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को, जो एंडेमिक स्पीशीज़ के, और ये एंडेंजर कर सकते हैं उनके एग्जिस्टेंस को ना। यहाँ पर देखो, ये रही एकदम जाइंट से स्क्वायर एंड दिस, यू कैन लुक एट इट इज टू मच बिग। लाइक उसकी टेल देखो कितनी फ्लफी एंड लॉन्ग है। सो या जो स्पीशीज एकदम पॉपुलेशन में ग्रुप होते हैं और जो ये केपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग में, और ये मतलब इनका मतलब जो मेंबर्स है स्पीशीज के, ये प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज, नॉट जो मेंबर्स होते हैं उनके अदर, मतलब कोई भी अदर अदर स्पीशीज में। तो जो मेंबर्स होते हैं उनके वही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है ना। ना अभी हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो सून जो पहेली है उसने एक बोर्ड देखा, एक पचमढ़ी ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे लिखा हुआ था, और प्रोफेसर अहमद ने देखा, एक्सप्लेन किया कि जो जो किलिंग होता है, पोचिंग मतलब किलिंग मतलब पोचिंग, और कैप्चरिंग एनिमल्स जो एक यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब नहीं करना है, या जनरल मतलब उसको पकड़ना भी अलाउ नहीं है, उसको कोई भी उसको किल करना अलाउ नहीं है, टच करना मीन्स जो किल, जो बहुत सारे लोग उनको हंटिंग करते हैं तो वो भी करना नहीं है। अगर अगर ऐसे करेंगे तो उनको लॉ हो सकता है, मतलब पनिशेबल लॉ हो सकता है, उनको सज़ा मिल सकती है, जेल हो सकती है, कुछ भी प्लेसेस पे, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो जैसे रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, जो सुटेबल लिविंग कंडीशन जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो वो ऐसे और भी बताते हैं कि जो पीपल लाइफ कर रहे होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, वो अलो मतलब अलोड होते हैं कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़, जैसे ग्रेजिंग, उनके लाइफ स्टॉक में ग्रेजिंग, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स और फायरवुड और भी, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके ना। कुछ जो है जो वाइल्ड एनिमल्स जो है, जैसे ब्लैक बर्क, वाइट आइड बर्क, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घारियल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसरस और भी बहुत सारे, तो चीजें किए आते हैं, मतलब जैसे ये प्रोटेक्ट किए आते हैं और प्रिजर्व किए आते हैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जो इंडियन सेंचुरीज होती है वो यूनिक लैंडस्केप है उसके, इनका क्या है, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, बुशेज है और बुशेज लैंड है, डेल्टाज है, बिग बिग रिवर्स है ना। तो ये पिटी है जो एकदम जो इवन प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट, ये भी सेफ नहीं होता ना, जो जो पीपल होते हैं क्योंकि उनके नेबर में वो एनक्रोच करते हैं उनके और डिस्ट्रॉय भी करते हैं, ठीक है ना। जो चिल्ड्रन है उनको बताया जाता है कि जो उन लोग ने एक मतलब उनको याद आता है कि उन लोग ने एक विजिट किया था एक जू, और ये उन लोग ने याद किया कि जो जू में जो प्ले मतलब जो भी जूज जो थे वहाँ पर एनिमल्स को तो प्रोटेक्शन किया जाता। तो क्या आपको पता है कि जो डिफरेंस बिटवीन क्या होता है एक जू का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? और सबसे पहले तो मुझे आप बताओ ये कि अगर आप कोई भी जू में गए हो या आपने कोई भी नियर बाय जू है तो कौन से जू में गए हो और वहाँ पर एनिमल्स का प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, एनिमल्स कैसे रहते हैं कि उनको ऐसे जेल में रखा जाता है या ऐसे खुले में घूमने देते हैं, और कैसी है वो जगह, वो जगह का नाम बताना मुझे, जू जू का मतलब वो जू का नाम, पर्टिकुलर जू का नाम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और या ठीक है ना, अभी हम जान मतलब इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट उनके आपको अपने ओपिनियन बताने हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपने जू में एक कंफर्टेबल जोन में रह रहे हैं और
उनके नेचुरल हैबिटेट भी, ठीक है ना। तो अभी हम जानते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो जब रोड साइड में एक बोर्ड लगाया गया था जिसपे सतपुरा नेशनल पार्क लिखा हुआ था, तो चिल्ड्रन जो है उनको एक जल्दी जल्दी थी कि उनको वहाँ पे जाना है ना। जो माधव जी है वो उनको बताते कि जो रिजर्व्स है ये बहुत लार्ज है, डिवर्स है और इनफ है प्रोटेक्ट करने के लिए सारे सेट्स इकोसिस्टम के ना। ये प्रिजर्व करते हैं फ्लोरा फौना लैंडस्केप्स और उनके हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स है उस एरिया में। ना जो सतपुरा नेशनल पार्क है ये फर्स्ट रिजर्व है फॉरेस्ट है इंडिया का। और जो फाइनेस्ट इंडियन टीक है ये फाउंड किया जाता है इस फॉरेस्ट में ना। यहाँ पर बहुत 1000 नेशनल पार्क्स है इंडिया में। और जो रॉक शेल्टर मतलब जैसे जो रॉक शेल्टर्स है ये फाउंड किए गए हैं सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर ही। और जो एविडेंसेस है मतलब जो भी प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ थे और भी जंगल्स में, और ये हमें क्या देते हैं एक आइडिया देते हैं प्रिमिटिव पीपल के। तो जो रॉक होते हैं वो रॉक पेंटिंग्स होते हैं वो उन्हें एज अ फाउंड किए गए एज अ शेल्टर्स। और जो टोटल 55 रॉक शेल्टर्स जो आइडेंटिफाई किए पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व में, जो फिगर्स है एनिमल्स का और मैन फाइटिंग हंटिंग डांसिंग और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे डिपिक्ट है ये पेंटिंग्स में। और भी बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो अभी भी उस एरिया में रहते हैं ना। जो चिल्ड्रंस है वो अभी थोड़ा आगे गए, उन लोग ने देखा बोर्ड में जो सतपुरा टाइगर रिजर्व दिखाता है वहाँ पे, तो माधव जी ने बताया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया था टाइगर्स को उस कंट्री में। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट और इस प्रोजेक्ट का है ये एंश्योर करना है सर्वाइवल ऑफ द एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, ठीक है ना। तो बोजो बोल रहा है आर टाइगर स्टिल फाउंड इन द फॉरेस्ट, आई होप आई कैन सी अ टाइगर। तो बोजो बोलता है कि क्या जो है टाइगर्स है वो अभी भी फॉरेस्ट में देखने मिल जाएंगे। मुझे बोला कि मुझे तो मैंने कभी भी एक टाइगर को देखा नहीं, तो मुझे देखना है। तो टाइगर जो है वो धीरे धीरे हट रहे हैं, मतलब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे जैसे डिसअपियर हो रहे हैं फॉरेस्ट से। जो बट जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो एकदम अलग अलग यूनिक सेंस है वो सिग्निफिकेंट जो इंक्रीज करता है पॉपुलेशन टाइगर्स का जो वहाँ पर दिखाया गया ना। वंस अपॉन टाइम जो एनिमल्स थे लायंस जैसे एलिफेंट्स लायंस टाइगर्स वाइल्ड बफेलोज और बारा सिंहा, तो ये फाउंड किए गए थे सतपुरा नेशनल पार्क। और जो एनिमल्स होते हैं वो उनसे नंबर्स में जो डिमिशिंग एक लेवल होता है उनके जो मींस दे फेस एक्सटिंक्शन जो इन्हें बोलेंगे एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो जो भोजो है वो रिमाइंड करता है जो डायनासोर्स है वो भी बहुत टाइम से देख मतलब हमने देखे ही नहीं डायनासोरस जो सर्वाइवल है कुछ जैसे डायनासोर्स और एनिमल्स का जो एकदम डिफिकल्ट हो जाता है उस डिस्टर्बेंसेस में एक नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है ना। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो एक हमें एक ऑर्डर रहता है कि जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स का प्रोटेक्ट करने में तो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि इम्पोज किए जाते हैं और सारे नेशनल पार्क्स के। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे ग्रेजिंग पोचिंग हंटिंग कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स या कलेक्टिंग ऑफ वुड फायर मतलब फायरवुड या मेडिसिनल प्लांट्स और भी ये सारे अलाउड नहीं है। तो पहली बोल रही है कि जो क्या सारे जो बिग एनिमल्स है फेसिंग एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो जो माधव जी है वो बताते हैं पहली को कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा डेंजर में मतलब एक्सटिंक्स जो होते हैं ज़्यादा डेंजर में होते हैं रादर देन द बिगर एनिमल्स। एट द टाइम जो होते हैं वो स्नेक्स फ्रॉग्स लिजर्ड्स बैट्स आउल्स इनको किल कर लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम ना। बाय किलिंग दैम इन अवर मतलब ये इनको मारने से हमें ही हार्म हो रहा है, हमें ही हार्मिंग हो रही है, हम खुद को हार्म कर रहे हैं। तो दे माइट जो होते हैं वो स्मॉल हुए हमारे लिए बट वो हमारे लिए बहुत अच्छे काम करती है इकोसिस्टम में जो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे वो फॉर्म करते हैं एक फूड चेन, तो वो जो एनिमल्स हैं स्मॉल स्मॉल एनिमल्स से हमारे फूड वेब्स बनाते हैं फूड चेन्स बनाते हैं ना, है ना। तो ये हम लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते ना, दे आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। तो जो इकोसिस्टम है ये बना होते हैं अलग अलग टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिम्स प्लांट्स एनिमल्स जो अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स जैसे सॉइल रिवर डेल्टास क्लाइमेट्स टेम्परेचर्स ह्यूमिडिटी अभी बहुत सारा। तो भोजो बोल रहे आई वंडर इफ देर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब ऐसा कहीं है कि जो
कोई रिकॉर्ड है कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज का, तो अभी हम पढ़ेंगे रेड डेटा डाटा बुक, ठीक है ना। जो प्रोफेसर अहमद ने उनको एक्सप्लेन किया, जो रेड डाटा बुक है ये सारे मतलब उन चिल्ड्रन को, जो वो बताते हैं कि रेड डाटा बुक है जो एक सोर्स होता है बुक का, जो एक रिकॉर्ड रखता है एंडेंजर्ड एनिमल्स का, मतलब ये हम वो बुक बताती है कि ये एनिमल्स अभी ख़त्म होने वाले, ये एनिमल्स अभी दिखने नहीं वाले हमें, तो हमें ये एनिमल्स को मतलब हमें इन एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, और हमें कोई भी एनिमल्स को वैसे तो हार्म नहीं करना चाहिए, बट वो बुक बताती है वो मतलब जो पर्टिकुलर रेड डाटा बुक है ये रेड कलर की होती है, और ये हमें बताती है कि हमें वो एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, ये एनिमल्स जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, ये प्लांट्स जो है ये जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, इट डिसअपीयर हो रहे। तो रेड डाटा बुक जो है ये मेंटेन किया जाती है इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया ऑल्सो है वो मेंटेन करता है एक रेड डाटा बुक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, जो इंडिया में भी फाउंड किया गया है। अभी हम जानते हैं माइग्रेशन के बारे में ना, उन लोग और डीपर जा रहे थे फॉरेस्ट में, मतलब वहाँ पर, और माधव जी उनको समझा रहे थे गाइड कर रहे थे ना, उन लोग ने एक तावा रिजर्वियर में थोड़ा रिलैक्स करने का सोचा, और जो पहेली है वो पहेली जो है वो ऑब्जर्व करती है कुछ बोज रिवर के बाजू में, तो माधव जी है वो उनको बताते हैं कि जो चिल्ड्रंस बच्चों को बताते हैं कि ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो ये बर्ड्स जो होते हैं फ्लो होते करते हैं मतलब फ्लाई करते इधर से उधर उधर से उधर बाय द सर्च ऑफ ऑफ द मतलब शेल्टर फूड वाटर्स एंड ऑल, ठीक है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं बहुत टाइम तक, एक मतलब सालों तक फ्लाई करते रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है उनके लिए, उन लोग फ्लाई करते हैं एनुअल एग ले करने के लिए एज द वेदर, मतलब जैसा उनको वेदर चाहिए, कभी कभी उनको वेदर नहीं मिलता इसलिए उन लोग माइग्रेट करते इस जगह पे उस जगह पे चल उस जगह से उस जगह पे चले जाते, तो इस जगह से उस जगह पर जाने को माइग्रेशन बोलते हैं ना, ये एग ले करने के लिए करते हैं, और ये उनके जो नेचुरल हैबिटेट है ये थोड़ी सी कोल्ड और इनहॉस्पिटेबल रहती है, तो हम इंसान हैं, हम इंसान को पता होता है कि हमें मतलब ठंडी पसंद, जिस ठंडी के मौसम में हमारी तबीयत ख़राब होने वाली, ठंडी के मौसम में हम क्या खिड़की बंद रख करके रखेंगे, हम लोग थोड़े मोटे कपड़े पहन के रखेंगे, हमें पता है कि इट विल हार्म अस, बट जो एनिमल्स है बर्ड्स है इनको पता नहीं होता है कि हमारे लिए कैसे होते हैं, या दे ऑल्सो नो कि हमें इस रीजन में अच्छा नहीं रहता है, तो इसीलिए उनके पास तो थोड़ी हॉस्पिटल है, उनके पास थोड़ी कुछ है, तो उन लोग सिर्फ माइग्रेशन करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो कवर करते हैं बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस एक अनदर लेवल एक अनदर लैंड करने अनदर लैंड पे पहुंचने के लिए, तो इन्हें ही बोलेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स। जो पहेली ने पहेली को भी समझ में आया कि माइग्रेशन क्या होता है ना। अभी हम जानेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर की रिसाइकलिंग ना, जो प्रोफेसर अहमद है वो ड्रॉ करता है एक अटेंशन बच्चों को, मतलब जो बताता है कि एक कॉज होता है डिफॉरेस्टेशन का ना, वो बताते हैं कुछ सेवन फुल जो ग्रोन ट्रीज होते हैं एक टोन बनाते हैं पेपर का, और देयरफॉर जो है ये इसलिए हमें पेपर सेव करना चाहिए, और अगर हम पेपर सेव नहीं करेंगे मतलब जैसे तो हमारे जो ट्रीज है वो भी कटेंगे। जो प्रोफेसर अहमद है वो बताते हैं कि जो पेपर होते हैं वो रिसाइकल किया जाते हैं 5 to 7 times यूज करने में, जैसे 5 to 7 times जो एटलीस्ट पेपर होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जो हर स्टूडेंट होता है उन्हें सेव करना चाहिए एटलीस्ट 1 sheet। जैसे अगर आप सोचेंगे कि मैं 1 sheet बचा लूँगी या बचा लूँगा तो क्या ही उखड़ जाने वाला है, क्या ही कुछ थोड़ी हो जाएगा कि मेरा 1 sheet बचाने से सारे पेड़ बच जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, सब लोग ऐसे सोचते हैं या कुछ कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर हम एक पेज बचाएंगे तो हमारा देख के और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें कॉपी करके एक पेपर बताए एक ही शीट बचाएंगे, तो वो एक एक शीट बचाते बचाते इतनी सारी शीट बच जाएगी, हमारे ट्वीज कटने से बच जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही अगर हम एक ही शीट बचाएंगे एक हर साल, तो ये बहुत बहुत सारी ट्रीज जो है कटने से बच जा सकती है साल एक साल में ना, ये हमें सेव करना चाहिए, हमें उस पेपर को रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। बाय दिस वे वी नॉट ओनली सेव ट्रीज, इस वे से हम लोग सिर्फ ट्रीज़ और एनर्जी और वाटर ये मैन्युफैक्चरिंग ये ट्रीज वाटर एनर्जी है इसे ही सेव करने के अलावा भी हम लोग पेपर को जो है इसे भी सेव करना चाहिए, क्योंकि पेपर जो होते हैं वो भी ट्रीज से बने होते हैं। मोरेवर जो अमाउंट है हार्मफुल केमिकल्स का जो पेपर मेकिंग में हेल्प करता है ये भी रिड्यूस करता है, ठीक है ना।
तो भोजो बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसे कुछ परमानेंट सॉल्यूशन है कि ये डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम हमेशा के लिए हट ही जाए ऐसा, तो भोजो ने बोला है तो उसका आंसर तो देना पड़ेगा। तो उसका आंसर है रिफॉरेस्टेशन। अगर हम लोग पेड़ उगाएंगे तभी तो डिफॉरेस्टेशन हो, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो भी पेड़ उग रहे हैं, है ना। तो जितने पेड़ कट रहे हैं उतने पेड़ उग रहे हैं, बट हमें डिफॉरेस्टेशन में भी ध्यान रखना है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है और हमारे नीड्स के लिए पेड़ को नहीं काटने हैं और हमें रिफॉरेस्टेशन करना है ना। जो प्रोफेसर अहमद है वो सजेस्ट करता है आंसर इज डिफॉरेस्टेशन का जो है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन होता है, रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। मतलब जो डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हमें उसको, हमें न्यू प्लांट ट्रीज प्लांट करें ना। आप ही सोचो अगर आप अपने, जैसे आपका घर है वो घर में, जैसे आपका नया नया घर बना है या नया या कैसा भी घर आपका, तो अगर आप वो घर में पेड़ लगाओगे तो वो कितना ग्रीनरी, एंड कोई भी बाहर का मेहमान आएगा तो वो मेहमान सोचेगा कितना अच्छा घर है इनका, सच अ क्लीन हाउस, सच अ गुड हाउस, सच अ ग्रीनरी, सच अ हेल्दी होम, एंड है ना, अच्छा लगेगा ना। तो आप अगर अपने अपने चाहे अपने ही घर में पेड़ उगाओ तो वो पेड़ भी रिफॉरेस्टेशन ही होगा। जो अगर हम जो प्लांटेड ट्रीज होते हैं वो भी एक जनरली ये स्पीशीज में ही जो फाउंड किए जाते हैं फॉरेस्ट में, जो जो हमें एटलीस्ट एज मैनी एज ट्रीज, जितने कट रहे हैं उतने ट्रीज हमें उगाने भी चाहिए। जो डिफॉरेस्टेशन है ये नेचुरली भी प्लेस ले सकता है, जैसे जो डिफॉरेस्टेशन एरिया है वो अनडिस्टर्ब रहता है तो जो री एस्टैब्लिश होता है वो खुद ही हो जाता है कभी कभी। जो नेशनल नेचुरल डिफॉरेस्टेशन है वो, उसका कोई रोल नहीं है ह्यूमन बींग्स में, बट जो ऑलरेडी हमने जो कॉज होता है ट्रिमेंडस और जो डैमेज करते हैं हमारे फॉरेस्ट को, तो हमें क्या करना है हमारे ग्रीन वेल्थ के, हमारे हमारे खुद के लिए ही सही, तो हमें पेड़ तो उगाने चाहिए हमारे खुद के फ्यूचर जनरेशन के लिए ही सही, हमारे ठीक है ना। तो हमें खुद के वेल्थ के लिए ही सही पेड़ तो उगाने चाहिए। प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। ये डिफॉरेस्टेशन का सही जो उत्तर है, सही आंसर है, ये है रिफॉरेस्टेशन। और जो प्रोफेसर अहमद जो उनको बताते हैं कि जो इंडिया में जो हमारे फॉरेस्ट है कंजर्वेशन है ये एक्ट कर रहा है, जो ये एक्ट कर रहा है कि जो ये एम्ड है जो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का, जो नेचुरल फॉरेस्ट में और बेसिक नीड्स को मीट करने में, जो जो पीपल रह रहे हैं या कोई जो फॉरेस्ट के आसपास, तो जो कुछ रेस्ट के बाद जो है माधव जी बच्चों को पूछते हैं कि ये कभी भी ऐसा नहीं रहता कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्या है, एडवाइसेबल टू स्टे बैक इन द जंगल आफ्टर सनसेट, क्योंकि ये मतलब रात हो जाती तो हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए। और इन ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन, तो उसके बाद जो है प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को थैंक यू बोला, क्योंकि उन लोग ने इतना, माधव जी ने बच्चों को और जो प्रोफेसर को इतना अच्छे से गाइड किया और उनके जो एक्सपीरियंस है उनको बताया कि, एंड उन सब बच्चों ने सबको उन लोग ने बोला थैंक यू टू माधव जी। नाउ आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, मुझे तो पता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्योंकि अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड आपको ये वीडियो पक्का समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, जो भी कुछ एक टॉपिक है कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको दिल बेझक बेझिझक पूछ लेना मुझे कमेंट सेक्शन में, आपका उसका आंसर मैं ज़रूर से दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और बहुत सारे लोगों को, मतलब आप लोग भी, मतलब असली में यार आप लोग भी पेड़ उगाओ, चाहे एक ही पेड़ हो, जितने पेड़ अगर आप अपने घर में भी उगा रहे हो तो ग्रीनरी रहेगी और हाँ घर भी अच्छा लगता है और हाँ वेल्थ आती है, मतलब हेल्दी रहेंगे और ऑक्सीजन मिलेगा हमें। तो या यू कैन ऑल्सो रिफॉरेस्ट द, आप भी पेड़ उगा सकते हो और मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो या अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन होगा तो उसे भी दबा देना ऑल में। और या लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।